हेलो, नमस्कार दोस्तों। पॉलिटी करंट अफेयर के रिवीजन में ये हमारा तीसरा लेक्चर है। यहाँ पे हम प्रीलिम्स 2018 के लिए करंट अफेयर हैं उनका रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो जो न्यूज़ आई है वो देखते हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल है वो है 360 डिग्री रेटिंग सिस्टम के बारे में। यह एक मल्टी सोर्स फीडबैक सिस्टम है जो कि हमारे देश में ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी फ्यूचर पोस्टिंग के लिए बनाया गया था। तो अभी इसका स्टैंडिंग कमेटी ने विरोध किया था, उसको लेके है आर्टिकल आया था। तो इसके बारे में जो पॉइंट है वो देखते हैं कि क्या है 360 डिग्री रेटिंग सिस्टम। देखो, बात ऐसी है कि जो ब्यूरोक्रेट है, जो सिविल सर्वेंट होती हैं, उनका फीडबैक है वो उनके सीनियर के द्वारा लिया जाता है। उनका फीडबैक नोट डाउन किया जाता है, उसके बाद उनके फ्यूचर में पोस्टिंग वगैरह जो भी उनको नए डिपार्टमेंट वगैरह एलोकेट किए जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग किया जाता है कि भाई उनका कौन से एरिया में अच्छा एक्सपीरियंस है, कहाँ वो किस एरिया में दक्ष हैं, वो सारी डिटेल्स उनकी फीडबैक के द्वारा ली जाती हैं। तो गवर्नमेंट ने एक ये प्रावधान किया था कि भाई जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, इनके से जूनियर हो या इनके साथ जो भी लोग काम करते हो, इन सब के द्वारा इनका फीडबैक है वो लिया जाएगा, ताकि इनकी अच्छे ढंग से एक तरह से इन्फॉर्मेशन के बारे में क्लियर की जा सके। मतलब 360 डिग्री से ढंग से इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर की जा सके। जूनियर है, इनके साथ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, या फिर इनके अपलाइन है, डाउनलाइन है, सब लोगों से फीडबैक है वो क्लियर किया जाएगा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनका। इसके बाद उनकी जो फ्यूचर पोस्टिंग वगैरह है वो उस तरीके से की जाएगी। तो इसका पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने विरोध किया था, तो उसको लेके आर्टिकल। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि 360 डिग्री रेटिंग सिस्टम किससे रिलेटेड है। तो यह हमें ध्यान रखना है, मेनली है जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी क्वालिटी चेक करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बनने की बात थी। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 35A के बारे में। तो इसके बारे में देखते हैं। देखो, यह मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, उसको लेके आर्टिकल आया था उस टाइम पे, और अभी है पेंडिंग ही चल रहा है। याचिका ये दायर की गई थी कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में जो स्पेशल प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 35A के तहत, उनको एक्चुअली अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था। क्योंकि ये कहा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर में जो आर्टिकल 35A ऐड किया गया था वो एक्चुअली राष्ट्रपति के ऑर्डर के बाद किया गया था, जो किया गया था 1954 में। मतलब जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था उसमें राष्ट्रपति का आदेश था, उसके तहत जो अमेंडमेंट है वो किए गए थे, ना कि संविधान के जो संशोधन की प्रक्रिया है आर्टिकल 368 उसके तहत नहीं किए गए थे। केवल राष्ट्रपति का आदेश है वो दिया गया था आर्टिकल 370 के तहत, और उसके बाद अमेंडमेंट किए गए थे। तो जो याचिका दायर करता था उसका ऐसा कहना था कि भाई जो भी काम करना था, संविधान में संशोधन करना था हमारे देश में, वो आर्टिकल 360 एक्ट के तहत होना चाहिए था। मतलब पार्लियामेंट की पूरी लोकसभा राज्यसभा दोनों के द्वारा मिला के काम होना चाहिए था, जबकि ये काम किया गया था राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। तो मतलब इनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो आप इसे निरस्त कर दीजिए। ये सारा मामला था। दूसरा मामला इसमें यह था कि आर्टिकल 35A के बारे में। तो हम ये देख लेते हैं यूपीएससी जो हमें पूछ सकती है आर्टिकल 35A क्या है। देखो, आर्टिकल 35A है वो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली है ना, जो विधानसभा है, उसको यह एक्चुअली यह पावर देता है कि वो अपने जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के जो निवासी हैं उनको डिसाइड कर सकता है कि भाई कौन जम्मू एंड कश्मीर के स्थायी निवासी होंगे, कौन नहीं होंगे। इन सबको एक्चुअली क्वालिफाई करने के लिए ही आर्टिकल 35 है, वो सुर्खियों में था। इसके बारे में वैसे अलग से वीडियो भी मैंने बनाया था, तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से अलग से देख सकते हो। पर जो यूपीएससी हमें पूछ सकती है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, जो सारे पॉइंट्स वो हमने देख लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट बिल 2017 के बारे में। तो क्या था इसमें कंटेक्स्ट, क्या था कंटेक्स्ट, ही हमारे लिए मेनली इंपॉर्टेंट है। कंटेक्स्ट ये था कि जो एनआरआई होते हैं इनको प्रोक्सी वोटिंग का अधिकार देने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल बिल था, उसमें संशोधन किया जाने की बात थी। तो ये सारा आर्टिकल था। होगा क्या इसमें, देखो हमारे देश में जो एनआरआई होते हैं इनको वोटिंग का अधिकार तो होता है, पर जब ये लोग है जो एनआरआई होते हैं, ये मेनली फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, तो जब हमारे देश में इलेक्शन होते हैं तो ये आ नहीं सकते, क्योंकि उनको काफी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट ने संशोधन, हमारे संविधान के जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है, इसमें संशोधन करने की कोशिश की, ताकि जो भी एनआरआई होते हैं वो एक तरीके से अपने प्रोक्सी के तहत वोटे हैं वो क्रॉस करें। जैसे कि हम स्कूलिंग वगैरह में, कॉलेज वगैरह में प्रोक्सी का यूज करते थे कि हाँ आज मेरी अटेंडेंस है, प्रोक्सी है वो लगवा देना दूसरे के, तो सेम वही प्रोक्सी सिस्टम यहाँ पे एनआरआई के लिए होगा कि वो अपने किसी भी रिलेटिव, अपने दोस्त वगैरह को अपॉइंट कर सकेंगे, फिर वो उनकी जगह वोट का राइट है, वो वोटिंग का जो राइट है उसका यूज है वो कर सकेगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है पेंसिल पोर्टल के बारे में। तो देख लेते हैं पेंसिल पोर्टल के बारे में। पेंसिल पोर्टल का मतलब है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर के बारे में। अब है क्या यह चाइल्ड लेबर का सीन, वो देखते हैं। यह मेनली लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा इस पोर्टल को बनाया गया था। इस पोर्टल में यह प्रावधान किया गया है कि भाई हमारे देश में देखो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई थी चाइल्ड लेबर को कंट्रोल करने के लिए, मतलब चाइल्ड लेबर को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, उसका नाम है नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी। अब नेशनल चाइल्ड लेबर जो पॉलिसी है ना, इसमें जो प्रावधान किए गए हैं उनको मॉनिटर करने के लिए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, तो उन प्रावधान को मॉनिटर करने के लिए पेंसिल पोर्टल बनाया गया है, ताकि यहाँ पे उनको ढंग से मॉनिटर वगैरह वो किया जा सके। मतलब जो
चाइल्ड लेबर में जो लोग काम कर रहे हैं, जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको पुनर्वास, क्योंकि देखो कुछ लोग हैं वो ढाबे वगैरह में ऐसी जगह काम करते हैं, अनाथ वगैरह होते हैं बच्चे, तो उस कंडीशन में उनको पुनर्वास की, रिहेबिलिटेशन की जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो पेंसिल पोर्टल के तहत है। तो ये हमें ध्यान रखना कि लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा से स्टार्ट किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है दीक्षा पोर्टल के बारे में, तो देख लेते हैं दीक्षा पोर्टल है क्या। देखो दीक्षा पोर्टल है वो मेनली एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा एक एमपी पोर्टल है वो बनाया गया है। इस पोर्टल में ये प्रावधान है कि हमारे देश में जो टीचर्स है ना उनको ट्रेनिंग और उनको डिजिटल रखा जा सके, मतलब उनका नॉलेज है वो बढ़ाया जा सके, नॉलेज बूस्ट करने के लिए डिजिटल जो दीक्षा पोर्टल है वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। तो यह ध्यान रखना एक तो कि एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया, क्यों बनाया गया है, ताकि टीचर्स की ट्रेनिंग है वो हो सके, उनको नॉलेज है वो और ज्यादा बढ़े, इसके साथ ही टीचर्स के जितनी भी डिटेल्स वगैरह हैं वो सारे डिजिटल ऑनलाइन है, तो किसी को भी अगर टीचर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहां से क्लियर कर सके। इसकी टैगलाइन है वो यूपीएससी में भी पूछ सकती है, इसकी टैगलाइन ये है नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ओवर टीचर ओवर टीचर, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ओबीसी सब कैटेगराइज्ड के बारे में, तो देख लेते हैं इस आर्टिकल में क्या है। ओबीसी सब कैटेगराइज्ड है, ये इस आर्टिकल में ये पॉइंट थे कि देखो हमारे देश की गवर्नमेंट ने ये प्रावधान किया है कि भाई ओबीसी के अंदर काफी सारी कास्ट और सारी क्लासेस आती हैं, तो क्यों ना उनमें भी एक तरीके से अलग अलग है वो मतलब जो रिजर्वेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। अभी देखो हमारे देश में ओबीसी को 77% आरक्षण वो दिया गया है, तो गवर्नमेंट ने देखा कि ओबीसी में काफी सारी ऐसी क्लासेस हैं जो कि काफी बैकवर्ड है, मतलब काफी पीछे है, तो क्यों ना उनको भी ओबीसी के अंदर आरक्षण वो अलग से किया, मतलब आरक्षण के अंदर आरक्षण प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, एक पैनल बनाया था जिसका नाम है जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता का पैनल। तो ये हमें ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ने जो जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में जो पैनल बनाया था वो ओबीसी के सब कैटेगराइज सिस्टम के लिए बनाया गया था, और यह मेनली हमारे देश का जो आर्टिकल है संविधान का वो है 340, उसके तहत इसे बनाया गया था, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार ऐसा सिस्टम बनाने का प्रावधान किया गया है। अभी देखो बना नहीं है, जो सब कैटेगरी वो हुआ नहीं है कंप्लीट, केवल एक प्रावधान कमेटी बनाएगी थी ताकि वो अपनी रिकमेंडेशन दे कि भाई किन किन को जरूरी है ओबीसी कास्ट के अंदर सर्टिफिकेट जो रिजर्वेशन देने की, वो सारे पॉइंट्स थे। अब इसमें यह था कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पहली बार ऐसा स्टेप उठा रही है कि भाई किसी कैटेगरी के अंदर मतलब सब कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी बना के उनको रिजर्वेशन देने की बात वो करी है। बाकी एक चीज ये ध्यान रखनी है, कुछ स्टेट है हमारे देश में लगभग 8 या 9 स्टेट के आसपास स्टेट है जिन्होंने ऑलरेडी कैटेगरी के अंदर कैटेगरी बना के मतलब सब कैटेगरी बना के रिजर्वेशन है वो दे रखा है, तो यहाँ हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होता कि सेंट्रल गवर्नमेंट पहली बार ऐसा स्टेप उठा रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में, तो देख लेते हैं क्या है रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी का। सबसे पहला पॉइंट इसका ही आता है कि देखो रेल डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है वो मेनली एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना कि एक स्टेचुरी बॉडी, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता है। इसके साथ ही इसमें चेयरमैन प्लस 5 मेंबर होते हैं, फोन 5 मेंबर होते हैं, वो सब हमें याद नहीं रखने, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि भाई ये बॉडी का काम क्या होगा। रेल डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है इसका मेनली काम ही होगा कि रेलवे का जो किराया वगैरह है, जैसे कि पैसेंजर ट्रेन का किराया हुआ या फिर मालगाड़ी का जो किराया हुआ, उसके बारे में सुझाव देना, इसके साथ ही जो सोशल ऑब्लिगेशन है इसके लिए प्रिंसिपल तैयार करना, इसके साथ ही जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छा माहौल देना, उनको अगर इन्वेस्ट करने में दिक्कत आ रही हो तो उनके लिए सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करना, और इसी के साथ जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है उसमें एग्रीमेंट वगैरह करवाने के लिए हेल्पफुल है, सहयोग है वो करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल वो आया है जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में, है क्या यह मेनली राइट टू प्राइवेसी को लेके आर्टिकल है, और उसमें सबसे अच्छा पॉइंट यूपीएससी यही पूछ सकती है कि राइट टू प्राइवेसी वो फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल के तहत, तो ये हमें ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस के तहत राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट है वो घोषित किया था, कौन से आर्टिकल के तहत, वो क्या था आर्टिकल 21 के तहत, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब देखो बात ऐसी है कि अगर राइट टू प्राइवेसी का अगर अधिकार राइट टू जो प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है अगर इसका उल्लंघन होता है तो कोई भी इंसान है वो आर्टिकल 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट के तहत है इसमें जाके अपनी याचिका वो मतलब अपनी जो कंसर्न है वो जता सकता है कि भाई देखो मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, वो उनका उल्लंघन हो रहा है, मतलब एक तरीके से रिट जारी कर सकता है। इसके बाद में बात आती है आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 है वो हाई कोर्ट में रिट जारी करने के लिए कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट का उसका उल्लंघन हो रहा है, तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में केस है वो जा सकता है, तो इसमें ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान रख लेना कि भाई 9 जजों की बेंच थी उसने ये निर्णय दिया था कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो हम फंडामेंटल राइट है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आता है ट्राइफेड बॉडी के बारे में। ट्राइफेड बॉडी है क्या, वो है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, है क्या है बॉडी। इस बॉडी को एक्चुअली ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया था 1987 में।
इस बोटी का निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि देखो ट्राइबल एरिया होते हैं ना, उनमें ट्राइबल्स लोगों को इतना नॉलेज वगैरह नहीं होता है। कई बार क्या होता है उनको उनके जो प्रोडक्ट होते हैं हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर उनकी जो क्राफ्ट्स वगैरह होती हैं उनके उचित दाम नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि उन्हें सबसे बड़ी बात तो होती है उनको अवेयरनेस वगैरह नहीं होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बिचौली या जो मीडिएटर लोग होते हैं ना, वही ट्राइबल एरिया के जो वर्कर्स होते हैं ना, उनके एक्चुअली प्रोडक्ट के दाम वो बीच में खुद ही खा जाते हैं। मतलब ट्राइबल एरिया ट्राइबल जो लोग होते हैं उनको काफ़ी कम दामों में सामान खरीद लेते हैं और उनको उतना प्रॉफिट नहीं होता है। तो इसीलिए उस बॉडी का निर्माण किया गया था ताकि ट्राइबल्स को जो उचित रेट है वो मिल सके, उनको सपोर्ट वो दिया जाएगा। इसी के साथ ही उनकी जगह जगह प्रदर्शन ही एग्जीक्यूटिव वो आयोजित की जाएंगी जिसके द्वारा उनका जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वर्ल्ड लेवल पर ले जाया जा सके और उनको अच्छी इनकम है वो हो सके। तो उसके लिए इस ट्राइफेड बॉडी का निर्माण है वो किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है वो आया है CBFC के बारे में। CBFC मीन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के बारे में। आजकल यह बॉडी काफ़ी न्यूज में रहती है। देख लें तो सबसे पहली बात ये आती है कि यह एक स्टेचुरी बॉडी है। काम क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है। इसका काम यह है कि हमारे देश में जो भी मूवीज वगैरह जो भी सेल वगैरह आते हैं उनको एक्चुअली सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना ताकि वो एक्चुअली पब्लिश हो सकें, ब्रॉडकास्ट हो सकें, ये इसका बेसिकली काम है। और यह उनको चार कैटेगरी में डिवाइड करके उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग देती है कि कौन कौन सी मूवीज वगैरह या कौन कौन सी सीरियल्स हैं वो कौन कौन लोग हैं वो देख सकते हैं। मिनिस्ट्री कौन सी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिस्ट्री है इसके लिए वो है इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है वो आया है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के बिल के बारे में। इसमें क्या है वो देखते हैं। देखो बात ऐसी है, विसल ब्लोअर होते हैं, सबसे पहली बात तो वो है विसल ब्लोअर वो लोग होते हैं जैसे कि इसका एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई भी ऑफिस है अगर वहाँ पे कोई भी करप्शन या कोई भी गलत काम हो रहा है तो उस कंडीशन में कोई भी एक ऐसा इंसान या कोई भी एक इंसान भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, अगर उसे लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे गलत काम हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, या तो वो वहाँ के जो सीनियर बॉस है उसको बता सकता है कि हाँ भाई यहाँ पे सर गलत काम हो रहा है इस तरीके से, मतलब उनको अवेयर कर सकता है। तो एक तरीके उसने विसल बजा दी कि हाँ भाई यहाँ पे गलत काम हो रहा है, तो उसको बोलते हैं विसल ब्लोअर इंसान को। या फिर इसके अलावा दूसरा ऑप्शन उसके पास ये होता है कि उसे पता है कि नहीं यार हमारा बॉस भी हो सकता है इसमें शामिल हो, तो क्यों ना मैं किसी बाहर बड़ी अथॉरिटी को बता दूँ, मीडिया को, किसी और को बता दूँ इससे रिलेटेड से किसी मिनिस्ट्री वगैरह को, ताकि सारे मामले का सोल्यूशन हो सके। मतलब जो अच्छे काम करते हैं विसल ब्लोअर, जो गलत कहीं भी गलत काम हो रहे हैं उनके बारे में अगर अवेयर करवाते हैं पब्लिक को या मीडिया वगैरह को या फिर गवर्नमेंट को, तो उनको बोलते हैं विसल ब्लोअर। तो इसके लिए बात ऐसी थी कि देखो विसल ब्लोअर के लिए प्रोटेक्शन के लिए बिल बनाया गया था, क्योंकि सीन ऐसा होता है कि जो विसल ब्लोअर जो शुभचिंतक लोग होते हैं इनको कई बार क्या होता है इनकी जान को खतरा होता है। क्योंकि खतरा इसलिए होता है कि देखो काफ़ी लोगों जो करप्ट लोग होते हैं ये इनके ऑब्वियसली इंटरेस्ट हैं वो हर्ट होते हैं, तो कई बार क्या करते हैं विसल ब्लोअर की जान वगैरह ले लेते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया था कि भाई इनको प्रोटेक्शन है वो दी जा सके, इनकी जान माल का नुकसान है वो न हो सके। बट अभी हो क्या रहा है, कंटेक्स्ट ये है कि जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है इसके लिए गवर्नमेंट एक नया बिल लेके आ रही है, उसमें गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई जो रूल है उनको डायल्यूट किया जा सके। मतलब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन कम मिले, तो इसके लिए काफ़ी सारे प्रावधान ऐसे गवर्नमेंट वो बना रही है रूल। तो ये हमें ध्यान रखना है कि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट किससे रिलेटेड है जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है, यह मेनली HRD मिनिस्ट्री के द्वारा एक फ्रेमवर्क एक ढांचा वो तैयार किया गया है। इसमें यह होता है कि जो हमारे देश की विभिन्न यूनिवर्सिटी कॉलेज है, कॉलेज कैंपस वगैरह है, इनको एक्चुअली क्या रैंकिंग दी जाती है कि भाई ये किस तरीके से इनकी रैंकिंग, मतलब किस तरीके इनके स्टैंडर्ड वगैरह उन सब को गए। तो मेनली 5 पैरामीटर को काउंट करके रैंकिंग है वो दी जाती है। तो 5 पैरामीटर कौन से वो देख लेते हैं। देखो अभी तक तो ये जो रैंकिंग थी ना 2017 तक ये ऑप्शनल थी, मतलब जो जो इंस्टीट्यूट चाहते थे कि हाँ भाई मेरी रैंकिंग वो की जाए उनकी रैंकिंग की जाती थी। बट 2018 से गवर्नमेंट ने ये प्रावधान किया है कि जितने भी इंस्टीट्यूट जितने भी कॉलेज हैं इंडिया में उन सब की रैंकिंग जारी की जाएगी, ऐसा नहीं कि किसी को भी छोड़ा जाएगा। पैरामीटर ये हैं, सबसे पहले देखा जाएगा कि भाई टीचिंग और लर्निंग जो रिसोर्सेज है वो कैसे हैं वहाँ पे। इसके बाद में ये देखा जाएगा कि वहाँ पे रिसर्च वगैरह का माहौल कैसा है, रिसर्च वगैरह पे वहाँ की कॉलेज वो कितना खर्चा कर रही है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है वो आता है कि वहाँ पे ग्रेजुएशन आउटकम कितना है, मतलब कॉलेज का प्लेसमेंट वगैरह का सीन कैसा है, बच्चों को जो वगैरह मिल रहा है नहीं मिल रहा। नेक्स्ट देखा जाएगा कि सोशल इंक्लूजन के ऊपर फोकस किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इसके बाद में 5वां पॉइंट आता है वो आता है कि भाई लोगों की सोच कैसी है उस इंस्टीट्यूट के बारे में, मतलब ऐसा तो नहीं है कि लोगों के व्यक्तित्व का परसेप्शन है वही अच्छा नहीं है उस कॉलेज वगैरह को इंस्टीट्यूट को लेकर। तो वो सारे 5 पैरामीटर को देख के जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है वो जारी किया जाएगा। और यह ध्यान रखें कि 2018 से सभी यूनिवर्सिटी और सभी कॉलेज हैं उनकी रैंकिंग गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है फोस्कोरिस पोर्टल के बारे में। तो फोस्कोरिस पोर्टल है क्या, यह फोस्कोरिस जो पोर्टल है यह मेनली FSSAI के द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसका इस पोर्टल का निर्माण है किया गया है। तो सबसे पहले हम FSSAI के बारे में देखते हैं। FSSAI है वो मेनली FSSA एक्ट 2006 के तहत इसका निर्माण है किया गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत।
तो यह ऑब्वियसली एक स्टेचुरी बॉडी है, और कौन सी मिनिस्ट्री है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके लिए जो मिनिस्ट्री है वो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है FSSAI बॉडी। काम क्या इस बॉडी का, इस बॉडी का काम ये है कि देखो भाई जो भी फूड वगैरह इंडिया में प्रोड्यूस हुआ होता है, कहीं भी फूड वगैरह आ रहा है, प्रोसेसिंग वगैरह हो रही है, तो उसकी क्वालिटी वगैरह जांच करना, उसको सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करना। जैसे कि देखो ISI मार्क का प्रोवाइड किया जाता है, उसी तरीके से FSSAI वो अपने स्टैंडर्ड्स बना के रखती है और वो प्रोवाइड करती है ताकि फूड की क्वालिटी वगैरह वो इंश्योर की जा सके। अब जो ये पोर्टल बनाया गया है फोर्सकोर, इस पोर्टल यह FSSAI के द्वारा इसलिए बनाया गया है ताकि देखो जो भी सैंपल वगैरह क्लिक किए जाते हैं ना कहीं से भी, जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, कोई भी होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह, जैसे वहाँ से फूड के सैंपल कलेक्ट किए गए, तो उनका डाटा ऑनलाइन शेयर किया जा सके, ताकि उसमें एक तो क्या कि धांधलेबाजी कम होगी। जैसे कि ऑनलाइन डाटा शेयर किया जाएगा तो जो भी डाटा शेयर कर रहा है उसको एक उसने एक बार डाटा शेयर कर दिया तो उसके बाद में डाटा के साथ छेड़खानी नहीं कर सकेगा, तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और डाटा वो सारा ऑनलाइन रहेगा कि हाँ भाई इस होटल का, इस रेस्टोरेंट का डाटा इस दिन लिया गया था और इसमें ये कमियाँ वगैरह पाई थी, तो सैंपल का काफ़ी ज़्यादा ढंग से यूज हो सकेगा। इसके बाद में एक है कि जो भी गाइडलाइन वगैरह जारी करनी है तो इस पोर्टल पर गाइडलाइन वो जारी कर दी जाएंगी, जिससे कि सेफ्टी को और ज्यादा इंश्योर है वो किया जाएगा। तो ये इसको लेके ये आर्टिकल आया है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है स्टेट कैपिटल रीजन के बारे में। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी हम देखते हैं। देखो जैसे जिस प्रकार हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली है उसमें भी NCR रीजन है वो बनाया गया है, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया है, उसी तरीके से असम गवर्नमेंट है वो भी बना रही है असम मतलब वहाँ की कैपिटल है उसके आधार पर कैपिटल रीजन को। तो इसको लेकर हमें ध्यान रखना है कि UPSC पूछ सकती है मे बी कि जैसे कि दिल्ली में मतलब NCR नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया है, उसी तरीके से कौन सा स्टेट है जो कि स्टेट रीजन का निर्माण करने की बात है, तो वो किया जा रहा है असम के द्वारा। जैसे दिल्ली में NCR है वैसे ही वहां पे SCR का निर्माण करने की बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में। तो इस पे UPSC ने इस बार क्वेश्चन भी पूछा था, तो इस पे हमें ध्यान रखना है। UPSC ने इस बार क्वेश्चन पूछा था कि क्या प्राइवेट मेंबर बिल पहली बार इंडियन पार्लियामेंट में मतलब प्रेजेंट किया गया था, तो वो बिल्कुल स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल है वो उससे पहले भी काफ़ी बार प्रेजेंट है वो किए गए थे। अभी तक टोटल 14 प्राइवेट मेंबर बिल हैं वो पेश किए गए, मतलब काफ़ी ज़्यादा पेश किए जा चुके हैं, बट 14 मेंबर पार्लियामेंट भी तो जो प्राइवेट मेंबर बिल हैं वो तो पास भी हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल होते कौन से हैं। प्राइवेट मेंबर बिल हैं वो होते हैं जो कि किसी मिनिस्टर के अलावा जो पेश किए जाते हैं, मतलब देखो कोई भी जैसे MP या MLA होता है अगर वो अब बिल पेश कर रहा है तो वो हो जाएगा प्राइवेट मेंबर बिल, और अगर वहीं वो कोई बिल है वो मिनिस्टर है मतलब मंत्री है, अगर वो मतलब मंत्री है वो रिप्रेजेंट कर रहा है या सामने लेके आ रहा है तो उसको बोलेंगे मतलब नॉर्मल जो बिल है उसको। ये चीज़ हमें ध्यान रखने की प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब ये होता है कि मिनिस्टर को छोड़ के जो बाकी बिल पेश किए जाते हैं मिनिस्टर MP और MLA के द्वारा, उनको कहा जाता है प्राइवेट मेंबर बिल। और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्राइवेट मेंबर बिल प्रोड्यूस किया जाता है या पेश किया जाता है तो उसके लिए 30 दिन का नोटिस है वो देना होता है स्पीकर को या राज्यसभा के जो स्पीकर हैं उनको। ये चीज भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना कि 30 दिन का नोटिस देने के बाद ही प्राइवेट मेंबर बिल वो पेश किया जा सकता है। अगर मिनिस्टर पेश कर रहा है कोई बिल तो उसको 7 दिन का टाइम होता है कि 7 दिन पहले नोटिस देना होता है उसके बाद ही। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो मेनली नागौर के बारे में है, तो देखते हैं क्या इसमें। देखो 2-3 पॉइंट ही आते हैं कि UPSC ऐसे पूछ सकते हैं कि तांगा रेस कहाँ से रिलेटेड है, तो तांगा रेस है वो राजस्थान के नागौर से रिलेटेड है, और एक ये पूछ सकती है कि जल्लीकट्टू कहाँ से, तो जल्लीकट्टू है वो है तमिलनाडु से। इसके साथ ही कांबला है वो कहाँ से है, कांबला है वो है कर्नाटका से। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, मैच द फॉलोइंग में इनको UPSC अरेंज करवा सकती है। कंटेक्स्ट ये था कि तांगा रेस है उसको नागौर में बैन कर दिया गया था, तो इसको लेकर हाईकोर्ट ने स्टे है वो लगा दिया कि हाँ भाई बैन है वो कंटिन्यू रहेगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है हाइब्रिड इलेक्ट्रोल सिस्टम के बारे में, तो देख लेते हैं कि हाइब्रिड इलेक्ट्रोल सिस्टम क्या है। देखो हमारे देश में क्या है, हमारे देश में जो मेनली इलेक्शन का जो इलेक्ट्रोल सिस्टम वो यूज किया जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, मतलब कि इलेक्शन किए जाते हैं और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसी की सत्ता है वो बनती है, चाहे उसको 10% वोट मिल रहे हो चाहे उसको 70% वोट मिल रहे हो, उसके आधार पर ये नहीं है कि भाई उसको 50% ज्यादा वोट मिलने चाहिए तभी वो सत्ता बनेगा। हमारे देश में प्रावधान ये है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वही अपनी सत्ता है वो बनेगा। अब इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये सोचा है, अभी एक्चुअली लागू नहीं हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम जो 2-3 तरह के इलेक्ट्रोल फीचर्स हैं उनको एक जगह मिक्स कर लें, मतलब जैसे एक तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हुआ, इसके साथ ही जो प्रोपोर्शनल मेथड है इलेक्शन का उन दोनों को अगर हम मिक्सअप करके यूज करते हैं तो अगर इलेक्शन में हमें काफी अच्छा फायदा होगा और हमारे इलेक्शन ज्यादा फेयर होंगे, क्योंकि ऐसा एक्सपेरिमेंट है वो नेपाल में किया गया था और वहाँ पे काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा था। तो इसमें गवर्नमेंट ये चाह रही है, तो एक ये देखते हैं कि प्रोपोर्शनल सिस्टम क्या होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट तो हमने डिस्कस कर लिया, प्रोपोर्शनल में ये होता है कि जैसे जितनी भी सीटें होती है, फॉर एग्जाम्पल 100 सीटें हैं, अगर उसमें
फिर इलेक्शन करवाया गया जितनी भी पार्टी हैं, जैसे 5 पार्टी हैं और उनके लिए इलेक्शन वो करवाए गए हैं। अगर एक पार्टी को वोट मिल रहे हैं 40%, दूसरी को मिल रहे हैं 20% और तीसरी को मिल रहे हैं ये मान लो 40%, तो कुल मिला के 100% वोट हो गए। तो इसमें क्या प्रावधान हो जाएगा, जो तीनों पार्टी हैं इनको उस तरीके से वोट हैं डिवाइड हो जाएंगी। हाँ, एक को 40% वोट मिले तो उसको 40% सीटें मिल जाएंगी, एक को 20% मिल जाएंगी और एक को वापस 40% सीटें, इस तरीके से सीटें उनको अलोकेट की जाएंगी। ये उसमें होता है प्रपोजल मेथड सिस्टम में। तो हमारे देश की गवर्नमेंट ने चाह रही है कि भाई हाइब्रिड इलेक्ट्रो सिस्टम वो यूज किया जा सके, उनमें दोनों का यूज किया जाएगा तो इलेक्शन ज्यादा अच्छे ढंग से यूज हो सकेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो स्टेट का नाम चेंज करने को लेकर आया था। कंटेक्स्ट ये था कि जो वेस्ट बंगाल है वो अपने स्टेट का नाम चेंज करना चाहता था, तो उसको लिखे है आर्टिकल आया था। तो हम देख लेते हैं कि स्टेट का नाम किस तरीके से चेंज होता है। देखो, अगर किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना होता है तो सबसे पहले आर्टिकल 3 का यूज किया जाता है। आर्टिकल 3 में प्रावधान किया गया कि किस तरीके से हम सब जो स्टेट का नाम वगैरह नए स्टेट बनाने का काम है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रावधान, सबसे पहले प्रक्रिया यह होती है कि जैसे वेस्ट बंगाल का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वेस्ट बंगाल के जो विधानसभा है वहाँ से रिजोल्यूशन बनाएगा, मतलब वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है वो रिजोल्यूशन पास करेगी और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजेगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसका बिल बनाएगी और बिल तैयार करके राष्ट्रपति को देगी और राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको वापस है वो भेजेगा स्टेट के पास कि हाँ भैया अब आप देखिए हम नाम ये चेंज करना वगैरह चाहते हैं। उसके बाद स्टेट के पास एक फिक्स टाइम होता है, अप्रोक्स 14 डेज का टाइम होता है। अगर 14 डेज में स्टेट उसका रिप्लाई देता है कि हाँ भैया नाम चेंज कर दो या मतलब एग्री हो जाता है या नहीं होता, तो उसके बाद स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका नाम है वो चेंज कर देती है। तो एक चीज़ हमें ये यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, अगर स्टेट उसका नाम चेंज करने के लिए उसका अनुमति दे या नहीं दे, अगर सारी जो पावर होती है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी होती है वो उसका नाम चेंज करे या ना करे। अगर स्टेट मना भी कर देता है कि नहीं भाई नाम चेंज नहीं करना, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते हैं कि चेंज करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। तो स्टेट के मतलब यहाँ पे कुछ मिली चलने वाली नहीं होती है, जो फाइनल पावर होती है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2017 के बारे में। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया था, उसको लेके थीम क्या थी इस बार की, थीम थी लिटरेसी इन ए डिजिटल वर्ल्ड। किसके द्वारा है मनाया जाता है, यह मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा, इसको घोषित किया गया था। यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली यूएन की स्पेशल एजेंसी है। 1946 में इसका निर्माण है, इसका बॉडी का निर्माण है वो किया गया था। काम क्या है यूनेस्को का, यूनेस्को का काम यह है कि यह साइंस के क्षेत्र में रिसर्च करती है, इसके साथ एजुकेशन के क्षेत्र में सहयोग करती है और इसी के साथ कल्चरल क्षेत्र में भी सहयोग करती है, मतलब काफ़ी सारे क्षेत्र में सहयोग करके इसका मेन मोटो ये है कि भाई विभिन्न एरियाज में सहयोग स्थापित कर शांति है वो बनाए रखना, मतलब पीस स्टेबलाइज करने का काम इसका मेनली है और एजुकेशन के स्तर को भी सुधारने के लिए काफ़ी सारे स्टेप उसके द्वारा उठाए जाते हैं। लिटरेसी डे से मतलब साफ साफ समझना कि भाई साक्षरता से मतलब है, मतलब एजुकेटेड एजुकेशन को आगे इंप्रूव करने के लिए इस डे का निर्माण है वो किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है व्हीप के बारे में। देखो व्हीप है वो एक्चुअली संसद के अंदर हो या विधानसभा में है इसका यूज है वो किया जाता है। अब है क्या व्हीप का, सबसे पहला पॉइंट इसका इंटरेस्टिंग वो यही आता है कि व्हीप है उसका हमारे संविधान में भी उल्लेख नहीं है, ना ही संविधान के किसी रूल में, ना ही किसी एक्ट में और ना ही पार्लियामेंट के किसी सेशन वगैरह में इसका उल्लेख है, मतलब कहीं भी इसके बारे में मेंशन नहीं है, उसके बाद भी इसको यूज है वो किया जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात इसकी है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सभी अपना व्हीप है उनके पास होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बीजेपी है वो अपना व्हीप बना देते किसी को कि हाँ भाई ये आदमी है ये हमारा व्हीप है, तो व्हीप क्या होता है उसमें वो व्हीप इस तरीके से यूज होता है अनुशासन वगैरह को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि जब भी राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो उसमें व्हीप जारी नहीं किया जा सकता, व्हीप का मतलब होता है कि उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। जैसे कि गवर्नमेंट जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जैसे बीजेपी है उसने व्हीप जारी कर दिया, तो उसका मतलब ये होगा कि सारी जो बीजेपी के जितने भी मेंबर हैं वहाँ पे एमपी एमएलए जो भी हैं वो एक्चुअली जैसा बीजेपी की जो व्हीप है उसने बोल दिया कि हाँ भाई इस तरीके से काम करना है उसी तरीके से काम हुआ, मतलब एक तरीके से अनुशासन को डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए इसका यूज है वो किया जाता है। तो यूपीएससी एक तो ये पूछ सकती है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में व्हीप का यूज होता है नहीं होता, तो जी राष्ट्रपति के इलेक्शन में व्हीप का यूज है वो नहीं होता है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर कोई भी जो है मतलब कोई भी एमपी एमएलए अगर वो व्हीप का पालन है वो नहीं करता है, मतलब व्हीप के अगेंस्ट काम करता है, तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसको उसकी सदस्यता है वो रद्द की जा सकती है, उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है, बट राष्ट्रपति के इलेक्शन में इसके लिए छूट है वो दी गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है दिव्यांग सारथी के बारे में। दिव्यांग सारथी है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि बनाया गया है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के द्वारा, उसमें डिपार्टमेंट है उसका नाम है DEPWD, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के द्वारा।
अब इसमें होगा क्या, इस दिव्यांग सारथी एप्लीकेशन का फायदा ये होगा कि इसमें डिफरेंटली जो एबल या डिसेबल जो लोग हैं ना, उनके लिए जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आ रही है, जितनी भी योजनाएं लेके आ रही है, उन सारी डिटेल्स है वो एक जगह दी जाएंगी। मतलब इस दिव्यांग सारथी एप्लीकेशन में सारी डिटेल रहेंगी, दिव्यांग से रिलेटेड, डिसेबल लोगों से रिलेटेड, जो भी उनको डिटेल वगैरह चाहिए, रोजगार हो, चाहे कोई प्रोडक्ट वगैरह से रिलेटेड हो या कोई और भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो, सारी डिटेल एक जगह रहेंगे। तो उससे फायदा होगा कि वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको एक्सेस कर सकेंगे, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनका फायदा उठा सकेंगे, मतलब एक ही जगह उनको सब कुछ कंटेंट है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है चकमा एंड होजांग रिफ्यूजीज के बारे में। तो देखो जो चकमा और होजांग रिफ्यूजीज है, कंटेक्स्ट ये है कि होम मिनिस्ट्री ने अभी अप्रूवल दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि भाई आप जो चकमा और होजांग जो रिफ्यूजीज हैं इनको एक्चुअली नागरिकता या सिटीजनशिप है वो दे दो। तो इसके बाद होम मिनिस्ट्री ने कहा कि हाँ ठीक है भाई हम इनको नागरिकता वो दे रहे हैं। बट एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो होम मिनिस्टर ने यह कहा कि भाई हम इनको नागरिकता तो दे रहे हैं इंडिया की, बट इनको लैंड खरीदने का कोई अधिकार नहीं है, मतलब ये जमीन वगैरह नहीं खरीद सकेंगे। और मेनली ये बात है अरुणाचल प्रदेश की, क्योंकि देखो जो चकमा और होएंगे जो रिफ्यूजी हैं वो मेनली अरुणाचल प्रदेश के एरिया में रहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में आपको पता है कि ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उसके इंटरेस्ट को मतलब स्पेशल स्टेट होने के नाते वहाँ पे नया जो कोई भी दूसरी के स्टेट के या जो भी और लोग हैं वो वहाँ पे जमीन वगैरह नहीं खरीद सकते। तो ये एक सारा मामला था वो हमने डिस्कस किया। अब हम ये देख लेते हैं कि चकमा रिफ्यूजीज है कौन और होजांग रिफ्यूजीज कौन है। देखो सीन ऐसी है, 1960 के टाइम की बात है, एक बार हम देख लेते हैं मैप को ताकि हमें सारा माजरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, ये सीन है, ये है एक्चुअली चिट्टागोंग, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे चिट्टागोंग जो आता है वेस्ट मतलब बांग्लादेश के अंदर, सॉरी। अब सीन आता है कि 1960 के टाइम पे आपको पता है कि ये था पूर्वी बांग्लादेश सारा, क्योंकि उस टाइम पे बांग्लादेश बना नहीं था, तो ये था पूर्वी पाकिस्तान। अब पूर्वी पाकिस्तान था ना यहाँ पे, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो ये रहते थे चकमा और होजांग रिफ्यूज, चकमा और जो यहाँ पे होजांग कम्युनिटी थी ये इस वाले एरिया में रहती थी चिट्टागोंग में। और यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे चिट्टागोंग में एक डैम बनाया जा रहा था। अब ऑब्वियसली डैम बनेगा तो इन लोगों को हटाया जाएगा, तो इन लोगों को यहाँ से चिट्टागोंग से हटा दिया गया। तो ये लोग क्या किए, इन्होंने यहाँ से ट्रांसफर मूव होते होते यहाँ से मतलब इंडिया में क्रॉस करते करते और ये अरुणाचल प्रदेश में जाके शिफ्ट हो गए वहाँ पे। तो इसीलिए वहाँ पे रिफ्यूजीज हैं वो उनकी समस्या वो बन गई थी। और चकमा रिफ्यूजीज हैं ये मेनली बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, और जो होजांग रिफ्यूजीज हैं वो है हिंदू धर्म से रिलेटेड। तो ये चीज़ भी मैं भी यूपीएससी पूछ सकते हैं, बट हमने यहाँ पे देख ली है। ये सारा सीन था। अब ये मेनली हिली एरिया में लोग रहते थे, वहाँ पे एक बांध बनाया गया था जिसका नाम है कपटई बांध। तो कपटई बांध बांग्लादेश में बना रहा था, उसकी वजह से इनको शिफ्ट कर दिया गया और ये इंडिया में रिफ्यूजीज की फॉर्म में आ गए थे। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने अभी इनको नागरिकता का अधिकार वो दे दिया है। तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी कि हमारे देश में सिटीजनशिप को लेकर कोई भी संशोधन या कोई भी काम करना होता है वो काम किया जाता है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो देखो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।